नमस्कार। आज हम बनाएंगे मखाने की खीर। इसके लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है ये। 50 ग्राम मखाने लिए हैं, 50 ग्राम चीनी है, थोड़ी सी इलायची पाउडर और ये आधा चम्मच मैंने घी लिया है। इसे हम मखाने भूनेंगे और थोड़ी सी किशमिश, 10-12 ये बादाम हैं और 10-12 ये पिस्ते और 6-7 ये काजू हैं। सबसे पहले हम मखाने को भूनेंगे। ये पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ये घी डाल देंगे और ये मखाने। बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल जब कुरकुरे हो जाएंगे, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए हमारे मखाने भुन गए हैं और हम इसे नीचे उतार लेंगे और इस पर दूध गर्म करने रखेंगे। और जब ये खौल जाएगा तो हम इसमें मखाने डालेंगे। देखिए दूध हमारा खौल गया है और हम इसमें अपने ये मखाने भुने हुए डाल देंगे। मैंने 2 हिस्से कर लिए थे मखाने के, काट लिया है इनको। अब इसको हम गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे धीमी आंच पर बिल्कुल। ये देखिए खीर हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और हम इसमें ये चीनी डाल देंगे। और ये इलायची पाउडर और गैस बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे सभी। ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। अब इसमें ये हम काजू डालेंगे, ये बादाम और ये किशमिश और इसको मिला के सर्व करेंगे। देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। हम इससे पिस्ते से गार्निश करेंगे। देखिए बहुत अच्छी खीर बनी है हमारी मखाने की। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।